नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ की तरफ से एक जो नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या क्या अपडेट हुई है, सब कुछ जानते हैं तो इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आरपीएफ ने अपनी परीक्षा डेट घोषित कर दी थी कि 19 दिसंबर से यह एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, अब यह नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें यह बताया गया है कि परीक्षा तीन चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण, दूसरा और तीसरा चरण संपूर्ण यह तीन चरणों में कंप्लीट होगी। दोस्तों, पहले चरण में यहाँ पर बैठने वाले हैं 43,108 कैंडिडेट बैठेंगे। दोस्तों, यह 19 दिसंबर को ही होगी, ठीक है, यानी कि एक दिन में 43,000 स्टूडेंटों का पेपर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण यहाँ पर रहेगा जिसमें 455,964 कैंडिडेट भाग लेंगे, ठीक है। दोस्तों, यह होने वाली है 5 जनवरी से 6 जनवरी 2019 तक, यानी कि 2 दिन में यह संपन्न होगी। इसके बाद बात करते हैं तीसरा और यह अंतिम चरण रहेगा। दोस्तों, अंतिम चरण में बैठने वाले हैं 9,26,683 कैंडिडेट, ठीक है। भाग कितने भाग लेंगे, 9,26,683 कैंडिडेट तीसरे चरण में या अंतिम चरण में भाग लेने वाले हैं। दोस्तों, टोटल कैंडिडेटों की बात करते हैं, दोस्तों टोटल कैंडिडेट हैं यहाँ पर 14,25,755। दोस्तों, यह जो परीक्षा होगी यह अंतिम चरण 9 जनवरी से 19 जनवरी 2019 तक संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। दोस्तों, यह लगभग 1 महीने तक चलने वाली परीक्षा है और इसमें बैठने वाले कैंडिडेटों की संख्या है 14,25,755। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।